देश भर में करवा चौथ का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान सुहागन स्त्रियों ने निर्जला व्रत रखकर पति के लंबी आयु की कामना की। मान्यता है कि करवा चौथ की सच्ची निष्ठा से व्रत किया जाए तो माता पार्वती सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूरा माना जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का अधिक महत्व होता है। इस दिन व्रती स्त्रियों को चंद्रमा का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज के दिन चंद्र दर्शन करना जरूरी होता है। रविवार को सुहागिन महिलाओं ने चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की और अपने पति की लंबी उम्र के साथ सुख समृद्धि की कामना की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्रती सुहागिन महिलाओं ने कहा, पति के लिए व्रत रखा जाता है करवा चौथ का व्रत। कितना साल हो गया आपको शादी के? मेरा चौथे साल। किस तरह व्रत रखी है, कैसे पूजा करती है? पूरे दिन निराजल व्रत रहते हैं, उसके बाद शाम को पूजा होती है। रात को चांद देख के पानी का रख देख के पानी पिया जाता है। प्रियंका बोली, ये पति के लिए व्रत रखा जाता है उनकी लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए। सुबह सुबह 5-4 बजे उठ के व्रत में उपवास करती है स्त्री है, ताकि पति की लंबी आयु हो। मेरे को 10 वर्ष हो गए हैं। श्रद्धा कोहली, पति के लिए जी इसी ईयर दिसंबर में जी। आस्था सूरी, अपने हस्बैंड के लिए फास्ट रखा है, मुझे 9 ईयर्स हो गए व्रत रखे हुए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए।